हेलो एवरीवन, माय नेम इज नमन, वेलकम बैक टू techplusgadgets.com। तो आज अपन बिल्कुल चार्जअप है, आप मेरे फेस को देख के ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि आज जो है हमारे चैनल का फर्स्ट Q&A होने वाला है। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एक्चुअली सीन ये है कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी बोट रॉकर्स 255 के ऊपर, उसका मैंने रिव्यू किया था, और उससे पहले एक और वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने टॉप 5 बजट वायरलेस ईयरफोन्स आपको बताए थे जो आप 1500 रुपए के अंदर खरीद सकते हैं। तो उन दोनों वीडियोस पे जो है आप लोगों ने बिल्कुल भर भर के प्यार दिया, और कमेंट भी है वो भी भर भर के दिए। तो उन सारे कमेंट का मैंने एक एक पर्सनली जाके उसका जवाब दिया, लेकिन फिर भी लोग जो है कंफ्यूज थे, बहुत सारे और भी कमेंट आते गए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाया जाए जिसमें मैं उन सारे कॉमन क्वेश्चंस का जवाब आपको पर्सनली एक वीडियो के थ्रू समझा सकूं, ताकि आपको सारे डाउट जो बोट रॉकर्स 255 और बाकी के ईयरफोन से रिलेटेड है वो क्लियर हो जाए। इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो बनाता हूं। तो थोड़ा एक्साइटेड हूं क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है Q&A की, तो आपके कमेंट के बिल्कुल सही सही जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में देके रखूंगा, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आपके सब्सक्राइब की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक भी करना, लेकिन एंड में करना लाइक वीडियो देखने के बाद, और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बहुत सारे कमेंट थे, तो मैंने कुछ कॉमन कमेंट जो है वो निकाल के स्पेशली रखे हुए हैं, तो उसका जवाब मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भाई पहला जो कमेंट जो क्वेश्चन आता है वो आता है रॉकी व्लॉग्स की तरफ से। वो पूछते हैं कि भाई नेक में कोई प्रॉब्लम होता है क्या? तो भाई ये जो नेक में प्रॉब्लम, मतलब ये इसको मैं 24 घंटे यूज करता हूँ, मुझे अभी तक कोई भी इशू नहीं आया। उसका रीजन ये है कि ये बहुत लाइट वेट है, मैं इसको आपको निकाल के दिखा देता हूँ, बहुत लाइट वेट है। और जो इसका जो नेक बैंड है उसका शेप उन लोगों ने बहुत अच्छा सा दिया है, जो आपके नेक पे जो है बहुत आराम से सेट हो जाता है, तो इसके कारण आपको कोई इशू नहीं आता है। तो नेक में भाई कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भरत कुमार जैन की तरफ से। ये पूछते हैं भाई इज देयर अ ईयरफोन व्हिच कैन बी प्लग्ड इनटू मोबाइल व्हेन द ईयरफोन बैटरी इज डिस्चार्ज। तो भाई एक ऐसा ईयरफोन है आप जिसको भी परचेस कर सकते हैं, बहुत पॉपुलर रहा है वो, बोट रॉकर्स 400, शायद आपने सुना होगा, बोट रॉकर्स 400 को आप ले सकते हैं। अगर बैटरी चली जाती है तो उसको आप ऑक्स के थ्रू अपने फोन में कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं, लाइक केबल वाला उस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो बोट रॉकर्स 400 को मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप वो खरीदना चाहते हैं तो उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देख रखी है, तो आप वहां से जाके उसे परचेस कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट पे। तो ये कमेंट लिखा है पटेल दीवान ने, ये कह रहे हैं कि थैंक्स ब्रो टू सजेस्ट एंड चूज दिस ईयरफोन, आई डेफिनेटली परचेसिंग इट फॉर दी जॉगिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल देवांग, थैंक यू सो मच फॉर एप्रिशिएशन। और आप जॉगिंग के लिए खरीद रहे हो, बहुत अच्छी बात है, जॉगिंग के लिए ईयरफोन्स ऑब्वियसली बना हुआ है, लेकिन आपको मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ, अगर आप ये कोई स्पोर्ट्स के लिए या फिर जॉगिंग वगैरह के लिए खरीद रहे हैं स्पेशली, तो आप इसका नियॉन कलर का जो है बैंड है वो खरीदे, ग्रीन कलर का बैंड आता है इसी में, वो थोड़ा सा महंगा है, लेकिन उसकी साउंड क्वालिटी वगैरह बिल्कुल सेम है बोट रॉकर्स 255 की तरह, बस कलर में डिफरेंस है, क्योंकि वो थोड़ा कूल लगता है, स्पोर्टी लुक आपको देगा अगर आप जॉगिंग के लिए पर्सनली यूज कर रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको खरीदने को, उसकी लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दीपक के तरफ से, ये पूछते हैं जूप जैस और बोट में से साउंड क्वालिटी बेस एंड वोकल्स वाइज कौन सा बेटर रहेगा। भाई देखो जूक का जो है वो मैंने पर्सनली यूज नहीं किया है बिकॉज ऑफ कंपनी इसको देख के ही हम कोई भी ईयरफोन खरीदते हैं, तो जूक उतनी पॉपुलर कंपनी नहीं है एज कम्पेयर टू बोट, और बोट का जो साउंड क्वालिटी है भाई इसको मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ, बोट की साउंड क्वालिटी का कोई जवाब नहीं है। बजट मैं कह रहा हूँ मैं 1500-2000 रुपए तक अगर आप लेते हैं, उससे भी महंगे लेते हैं, तो इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो काफी अच्छी है, वोकल्स इसमें थोड़े बहुत ठीक ठाक है, लेकिन इसका जो बेस और जो लाउडनेस है वो बाकी के ईयरफोन्स में आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आप 1500 तक में ईयरफोन खरीदना चाहते हैं तो इस ईयरफोन को खरीदने का मैं फुल ऑन सजेशन आपको देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर समी का, ये पूछते हैं भाई तेरे पास कौन सा टीवी है। तो ये जो टीवी है वो MI TV 4 है 55 इंच, ये फर्स्ट टीवी है जो MI ने इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च किया था, तो ये MI TV 4 है। ये आया है अनिर्बन सिंह की तरफ से, ये बोल रहे हैं भाई ये बताओ कि इसका वायर डैमेज तो नहीं होगा ना, जैसे 5 मंथ में खराब तो नहीं होगा ना, प्लीज रिप्लाई और यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। तो भाई थैंक यू सो मच भाई अप्रिशिएट करने के लिए, मेरी वीडियो लाइक करने के लिए। तो आपने जैसे क्वेश्चन पूछा है कि इसका वायर खराब तो नहीं होगा, भाई इसका जो वायर है वो फ्लैट वायर है, राउंड वायर में नहीं आता है, तो राउंड वायर का जो खराब होने के चांसेस वो ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो जो है बिल्कुल
मतलब सॉल्व ऑटोमेटिकली सॉल्व नहीं होते हैं, जो गोल होने के कारण वो उलझ जाते हैं, बिल्कुल बंडल सा बन जाता है। लेकिन जो ये फ्लैट वायर है ये उलझते नहीं है, अगर उलझते भी है तो अपने आप ये सॉल्व हो जाते हैं, आपको थोड़ा बहुत ऐसे हिलाना पड़ता है सॉल्व हो जाते हैं। तो इसकी वजह से इनकी जो वायर की क्वालिटी है वो काफी अच्छी रहती है और ज्यादा चलते हैं राउंड जो वायर होते हैं उनसे, इसकी जो वायर क्वालिटी है वो काफी अच्छी है, नो डाउट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आया है आकाश की तरफ से, ये बोल रहे हैं कि सर 999 वाला ऑफर कब आएगा, कुछ पता है क्या? तो आकाश फर्स्ट ऑफ ऑल भाई सर्वर मत बोलो यार, बहुत बड़ा सा फील होता है। 999 वाला ऑफर इस तरीके से है कि जो ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो या बाकी कोई भी हो, मिंत्रा पे भी ये आपको ईयरफोन मिल जाता है, तो इनका क्या होता है कि ये एक लाइटनिंग डील करके जो होता है, लाइटनिंग डील इन द सेंस कि ये कुछ दिन के लिए या कुछ देर के लिए पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो बिल्कुल कम कर देते हैं। जैसे 1500 का जो ईयरफोन है वो आपको 999 में मिल रहा है, लेकिन वो हमेशा नहीं मिलेगा और आपको इस बारे में पता भी नहीं पड़ेगा कि वो कब 999 का आया और वो सेल होकर सोल्ड आउट हो जाता है। तो इस तरीके की जो लाइटनिंग डील है वो ई कॉमर्स वेबसाइट वाले करते रहते हैं। तो अगर आप ऐसी डील जो है लेना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको बस हमेशा निगरानी रखनी है, आपको देखते रहना है प्रोडक्ट को हमेशा खोल खोल के कि भाई इसका प्राइस कम हुआ कि नहीं हुआ, या आपको प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड कर लेना है तो आपको मैसेज आएगा कि इसका जो प्राइस है वो कम हो तो हो गया है, और जब भी प्राइस कम होता है आप उसको परचेस कर सकते हैं। तो सिर्फ एक ये तरीका है, ऐसा सेल वेल में तो कम होता ही है, लेकिन अगर ऐसे नॉर्मली कम हो रहा है तो वो आपको बिना बताए ही कम करेंगे, तो खरीदने का सबसे अच्छा तरीका यही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एमएक्स प्रीत की तरफ से, ये बोल रहे हैं कि इज इट बेटर देन बोटरोगस 400 वायरलेस हेडसेट, आई एम बिट कंफ्यूज। तो ब्रो कंफ्यूज मत हो, दोनों जो ईयरफोन्स हेडफोन्स है वो अपनी अपनी जगह पे है, आपकी प्रेफरेंस के ऊपर है। बोटरोगस 400 जो है वो ओवर द ईयरफोन्स है, और जो बोटरोगस 255 है जो मैं अभी पहना हूँ वो नेकबैंड वाला है। तो अगर आप कम टाइम के लिए म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं तो आप वो खरीद सकते हैं, आप उनको पहनेंगे और रख देंगे साइड में, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके गले में ऑलवेज मतलब टंगा रहे, आप अगर कुछ काम कर रहे हैं उसके तब भी है आपके गले में टांग के, आप इसको रख सकते हो, आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप वो टांग के रखते हो तो आपको हैवी सा लगेगा। तो आपके ऊपर है, आप उसको कैसे यूज करना चाहते हैं। दोनों की साउंड क्वालिटी अच्छी है, दोनों एक ही प्राइस रेंज में है, तो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से उसको यूज कर सकते हो, उस हिसाब से आप उसको खरीद सकते हैं, और उसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे के रखी, तो आप खरीद सकते हैं वहां से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अमन कुमार झा की तरफ से, ये बोल रहे हैं कि ब्रो आई वॉन्ट ईयरफोन्स विच सपोर्ट माइक्रो एस डी कार्ड, प्लीज सजेस्ट मी द बेस्ट बजट है वॉज 1600 to 2000। तो भाई सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप माइक्रो एसडी कार्ड वाला खरीदो ही मत, 1600-2000 वाले जितने भी माइक्रो एसडी कार्ड वाले जो हैं वो मतलब बिल्कुल वाहियात साउंड क्वालिटी के साथ आपको मिलेंगे। आप उसमें आपको सपोर्ट तो कर देंगे माइक्रो एसडी का, लेकिन उसकी जो साउंड क्वालिटी होगी वो बिल्कुल बेकार सी होगी, बेस वोकल्स कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बोटरोगस 255 खरीद लो, बढ़िया है, इसको फोन के साथ कनेक्ट करो, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती और उसकी साउंड क्वालिटी वो काफी अच्छी है। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप कोई माइक्रो एसडी कार्ड वाला 1600 या 2000 तक में आप खरीदे, क्योंकि उसकी साउंड क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शुभ्र प्रकाश चौधरी की तरफ से, ये पूछ रहे हैं कॉल क्वालिटी कैसी है और इसका बैटरी बैकअप। तो भाई कॉल क्वालिटी इसकी बहुत बढ़िया है, लाइक इसमें आपको ठीक ठाक सा नॉइस कैंसिलेशन मिल जाता है, लाइक नॉइस कैंसिलेशन आपको 21-22 हज़ार के ईयरफोन्स की तरह तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें अच्छा खासा ईयरफोन मतलब नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिल जाएगा। सामने वाला जब आपसे बात करेगा तो आपको उसमें उसको बैकग्राउंड का जो साउंड है वो बिल्कुल कम उसको सुनाई देगा, बिल्कुल सुनाई भी नहीं देता है, कई बार तो ऐसा भी हुआ है। तो इसका साउंड जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा है, फोन के लिए आप डेली यूसेज कर सकते हैं। और अगर इसकी बात करता हूँ बैटरी बैकअप की, तो बैटरी बैकअप का मैं अच्छे से आपको बताता हूँ। एक्चुअली बैटरी बैकअप जो है वो इसका अगर आप फुल्ली चार्ज करते हैं फ्रॉम 0 to 100% तो आपको ये 4.5 घंटे तक का बैटरी बैकअप दे देगा। इसको जो पर्सनल यूज कर रहा हूँ मैं, तो मेरे को 4.5 घंटे का बिल्कुल पावर पैक मिल जाता है अगर मैं इसको फुल्ली चार्ज करता हूँ, और अगर कॉल पे करता हूँ तो वो 6 घंटे तक भी आपको दे देगा अगर आप सिर्फ कॉलिंग के लिए यूज कर रहे हैं। और स्टैंड बाय पे रहता है तो स्टैंड बाय पे इसकी बैटरी जाती है, तो मेरे हिसाब से मैं आपको सजेशन दूंगा अगर आप म्यूजिक वगैरह नहीं सुन रहे तो इसको आप ऑफ कर दो, उसके जब आप ऑन करना चाहते हैं, जब भी आप म्यूजिक सुनना चाहते हैं तो उसे ऑन कर लो, फटाफट कनेक्ट हो जाता है। तो 4-4.5 घंटे की आपको बैटरी मिल जाएगी अगर आप बिल्कुल लगातार म्यूजिक सुन रहे हैं तो, और चार्जिंग में ये 10 मिनट में कम से कम आपको 30 मिनट तक का आपको प्लेबैक दे देगा, तो और फुल्ली चार्ज 1.5 घंटे का लेता है, बैटरी बैकअप इसकी अच्छी खासी है।
सबसे मोस्ट पॉपुलर कमेंट है हमारे पूरे कमेंट बॉक्स का वो ये है कि MI पे वायरलेस ईयरफोन्स लेने चाहिए या बोट के वायरलेस ईयरफोन्स लाइक वर्सेस वाला क्वेश्चन है। तो भाई देखो सीधी सी बात है, मैंने बोट रॉकर्स 250 mAh पर्सनली यूज कर रहा हूँ और MI के जो ईयरफोन्स हैं वो मेरे पास नहीं है, बट मैंने उसका साउंड क्वालिटी उसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छे से देख रखी है। मेरे एक फ्रेंड के पास है, उसने अभी कुछ दिन पहले ही खरीदा है, तो उसकी जो साउंड क्वालिटी है वो बोट रॉकर से अच्छी नहीं है। मतलब बेस जो है वो आपको उतने अच्छे नहीं मिलेंगे जितने बोट रॉकर्स में मिलेंगे, और उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी उतनी खास नहीं है क्योंकि उसमें आपको ऐसा नेक बैंड सा नहीं मिलेगा, उसमें बस आपको एक वायर सा मिलेगा जो कभी भी टूट जाएगा और आपको पता भी नहीं पड़ेगा, और वो राउंडेड केबल के साथ आता है, लाइक राउंड वाले केबल के साथ आता है, तो मुझे तो इतनी कोई खास लगा नहीं। और उसमें एक और चीज जो है वो मिस करते हैं वो है ये मैग्नेट, आपको मैग्नेट नहीं मिलेगा। तो भाई उसमें मैग्नेट नहीं है और उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, साउंड क्वालिटी में उसमें बेस वगैरह नहीं है, तो क्यों वो आप खरीदिए? मतलब उतने में आपको ये मिल रहा है, 1000 रुपये में आपको ये मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूंगा बोट रॉकर्स 255 खरीदने को। तो ये थे कुछ कॉमन क्वेश्चन जिसके मैंने अभी आपको जवाब दिए। आई होप आप लोगों के जो डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको पर्सनल कमेंट करके उसके आंसर देने की पूरी तरीके से कोशिश करूंगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको मैंने किसी भी तरीके से हेल्प किया तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें ताकि ऐसी वीडियो जो है वो मैं आप तक लाता रहूं। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।